हेलो फ्रेंड, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मोमेंटोस पिक्चर पे। हम और आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड। तो आप जान सकते हैं कि अभी किस तरह का सिचुएशन है राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया के अंदर, तो किस तरह का क्या सिचुएशंस वगैरह हैं। तो हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज की डिटेल के साथ। कोरोना वायरस दुनिया भर में अभी 4,15,89,498 इतने केसेस हमारे सामने हैं अभी, मतलब टोटल मिला के इतने केसेस सामने आए थे, जिसमें से डेथ हुई हैं 11,37,828 बंदों की डेथ हो चुकी है। और जो मैंने आपको बताया 4,04,15,89,498, उसमें से 3,09,61,675 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इससे इसमें जो डेथ का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे दूसरे भी डिजीज़ हैं दुनिया में जिससे इससे भी ज़्यादा लोगों की मौत होती हैं, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, तो उससे भी शायद इससे ज़्यादा फिगर होती है जो मरने वालों की तादाद है पूरे एक साल के अंदर, ठीक है। तो ये अभी तक का पूरा वर्ल्ड वाइड का ये हमारा डिटेल्स है जिससे हमें पता चलता है कि अभी ये सिचुएशन है राइट नाउ। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में अभी जो हमारे सामने आ चुका है उसमें से है 77,08,947 केसेस हमारे सामने आ चुके हैं अभी। इसमें से जो डेथ है हमारे जो बंदे जो इफेक्टेड हुए हैं ये वायरस से, इसमें से जो डेथ हुई हैं वो 1,16,681 यानी कि 1,16,681 लोगों की डेथ हो चुकी है। और जो रिकवर्ड होने वाली जो तादाद है वो 68,74,518 ये जो लोग हैं जो रिकवर्ड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी दुनिया इंडिया की भी अगर हम बात करते हैं तो 1,16,681 डैट मीन्स 1,17,000 जैसे लोग अभी तक मर चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ों की कि भाई दूसरे भी ऐसे डिजीज़ हैं जैसे रोड एक्सीडेंट्स हैं या मलेरिया है या ट्यूबरकुलोसिस है या जॉन्डिस हैं जो हर साल हमारे देश में बहुत सारी तादाद में लोग मरते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ में। तो ये आप समझ भी सकते हैं कि भाई ये जो वायरस है वो ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं या तो फिर जो लोगों को या तो किडनी की बीमारी होती है या फिर डायबिटीज़ की बीमारी होती है उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये यंग ब्लड हैं, अगर वो डेली मतलब उनको कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है तो इन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी चीज़ है इस केसेस में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में भी हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट में सारा सब कुछ ओपन हो रहा है धीरे धीरे, हर जगह की अब परमिशन मिलनी शुरू हो गई हैं, जैसे सिनेमाघर है या फिर शादी हैं, फंक्शंस हैं, इवन अब पॉलिटिकल भी आप रैलियाँ वगैरह देख ही सकते हैं, कुछ जगह इलेक्शन आ रहे हैं और हो रहे हैं अभी, तो अभी धीरे धीरे सारा ओपन हो रहा है। और जो लास्ट 4 या 5 महीने में जो हमने सफ़र किया हुआ है कि हमें हम लोगों को बहुत सारा दिक्कत हुआ है एज ए इकोनॉमिकली, या अब बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी हैं और इस तरह से हमारा भी हो चुका है। तो इस तरह से भी राइट नाउ सिचुएशन हमारा चल रहा है। तो सभी लोग अपने घर पे रहिए, मास्क पहने, जब घर से जाना हो तो ज़रूरत के टाइम पे ही जाएं, जैसे अगर आपको जॉब जाना है तो जा सकते हैं आप, मास्क को ना भूले, सैनिटाइज़ करना ना भूले, और ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसमें अभी तो कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस हुआ था फिर उनको वो ठीक हो गए हैं, उनके बाद दोबारा कुछ टाइम बाद दोबारा उनको हुआ है, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि और आगे विंटर आ रहा है, आगे सर्दियों की मौसम आ रही है, तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इस टाइम पे ये बढ़ सकता है। इवन गवर्नमेंट भी, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग, वो भी बता रहे हैं कि अभी भी केयरफुल करना ज़रूरी है। पहले ऐसा था कि बड़ी बड़ी जो सिटियाँ थी हमारी, जो सिटी जैसे कि
आप मुंबई ले सकते हैं, अहमदाबाद ले सकते हैं, सूरत ले सकते हैं, बेंगलोर ले सकते हैं, पुणे ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी सिटियों में ये ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। अब सिचुएशन ऐसा है कि ये गांव तक पहुंच चुका है, छोटी छोटी हॉस्पिटलों में सारी जगह पैक हो चुके हैं, मतलब सारे बेड मतलब फुल हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में इवन जहाँ पे आईसीयू का फैसिलिटीज़ हैं। और तो ये हर जगह अब गांव में भी ये स्प्रेड हो चुका है। दैट मीन्स कि अब आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है ये सब चीज़ों के लिए। अगर आप लोगों से ये सब चीज़ों से अगर आप बचते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी यही टाइम है कि अगर आप फंक्शन में ना जाएं जब तक आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब बाहर ना निकले, शादियों में ना जाएं, कोई दूसरे फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, उससे अभी दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि यही टाइम है। अगर हम यहाँ से अगर रिकवर करते हैं, वैसे रिकवर होनी शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे केस कम होने जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि अगर हम अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू करें कि लोगों से सावधान रहें और ये सब चीज़ों से दूर रहें, तभी हम ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। और जो ये वायरस है, जैसे हमने पुराने हमारे वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी कि ये जो वायरस है वो बीमार कुछ लोग जो है, जैसे किडनी की बीमारी होती है, या हमने पहले भी इस वीडियो में बताया कि भाई किडनी, डायबिटीज़ है, बूढ़े लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, छोटे बच्चे, उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये, और ये सीधा लंग्स पर अटैक करता है। तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है वो लंग्स में करता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है इंसान के ब्लड के अंदर, और उसकी वजह से फिर आईसीयू में उसको एडमिट करना होता है और ऑक्सीजन लगानी होती है। जो ऑक्सीजन आईसीयू वगैरह लगानी होती है वो लास्ट, मतलब जब बंदे का दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये होता है। शुरुआत में तो लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर पे क्वारंटाइन रहते हैं, उसके बाद खुद अपने आप ही कुछ मेडिसिन लेके तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। कुछ ऐसे भी केसेस होंगे कि जिनको कोरोना हुआ होगा लेकिन पता भी नहीं चला होगा और वो केयर मतलब ठीक भी हो गया होगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम उतनी अच्छी है, लेकिन हर किसी की ऐसी होती नहीं है। तो आज की तारीख में इंडिया में अभी भी कोरोना वायरस है और वो स्प्रेड हो रहा है, लेकिन ठीक है, अभी कमी आई हुई है, लोग अभी समझते हैं चीज़ों को, मास्क पहन के निकलते हैं, सैनिटाइज को यूज़ करते हैं, लेकिन आगे भी ये रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग इस जो वायरस आया हुआ है उससे हम केयर कर सकें।